सबसे पहले पढ़ना होगा क्या होता है इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ कोई भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हम लोग कि कोई एक ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दे, ठीक है। तो मानते कोई इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस अल्फा, जो हम लोग पिछला लेक्चर में इसको निकाला था, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल दी, डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो माइनस ए हो जाएगा क्योंकि ये ए का ए रह जाएगा और कॉस एन टी प्लस अल्फा का माइनस साइन हो जाएगा, और ये ए इसको जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो एन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद डी एक्स स्क्वायर डी टी, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस ए बाहर को बाहर रह गया, और उसके बाद कॉस एन टी प्लस अल्फा इन टू एन, क्योंकि साइन का कॉस हो गया और एन एन रह गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, माइनस ए एन स्क्वायर, सॉरी तो माइनस ए हो गया और उसके बाद एन स्क्वायर हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस एन टी प्लस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ए और कॉस एन टी प्लस अल्फा, ए और कॉस एन टी प्लस अल्फा क्या है, एक्स मान लिया, तो इतना दूर को एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा एन। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का माइनस क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर एक्स, तो ये जो है निगेटिव में, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।